तो आज हम सीखेंगे केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? हाँ भाई, वेदरिंग मतलब टूटना। किस चीज़ का टूटना? पत्थरों का टूटना। पत्थरों का टूटना कैसे? केमिकल्स के द्वारा, ठीक है? और उसी को कहते हैं केमिकल वेदरिंग, या पत्थरों में केमिकल चेंज आना और उससे पत्थर टूटना। केमिकल चेंज आने का क्या मतलब है? उसकी जो कंपोजिशन है, वो जिससे बना हुआ है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाना, या केमिकल डीके होना, क्या है ना, केमिकल्स का गलना, पत्थरों के जो केमिकल्स हैं उनका गलना, तो उससे पत्थर की वेदरिंग होती है, पत्थर टूट जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। मिनरल अल्ट्रेशन मतलब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आना, बदलाव आना, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं पत्थर के ऊपर, और उससे जो उसका मिनरल है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। इस होल प्रोसेस को, किस प्रोसेस को भाई? पत्थरों का टूटना, या तो केमिकल रिएक्शन होने से उसके ऊपर, या उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होने से, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं भाई केमिकल वेदरिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हमने इससे पहले फिजिकल वेदरिंग करी थी, उसमें भी कुछ प्रोसेसेस थे, इसमें भी कुछ प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है भाई? मिनरल्स का पानी में मिलना, यूनियन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स और पानी का आपस में मिलना, जुड़ना, उसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि CaSO4 जो है एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, और H2O हमारा वाटर होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा जिप्सम बनता है, CaSO4.2H2O। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं वाटर के, तो हमारा जिप्सम बना किससे? एनहाइड्रेट से। इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो है एज अ वेदरिंग एजेंट काम करता है, तो इसीलिए ये केमिकल वेदरिंग के प्रोसेसेस में आता है, ठीक है। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब, जैसे हाइड्रेशन मतलब क्या था? पानी और उसका जुड़ना, एलिमेंट्स का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एलिमेंट्स का जुड़ना, ठीक है। तो ऐसे ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बेसिकली। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में घुल जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो एक वेदरिंग एजेंट की तरह काम करता है। कार्बोनेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर है? यूनियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। या अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यूनियन ऑफ ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। तो बनेगा क्या? ऑक्साइड्स बनेंगी। आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो आयरन ऑक्साइड बन गई, ठीक है। ऐसे ही सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो सिलिकॉन ऑक्साइड बन गई। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड बनाता है काफ़ी सारे मिनरल्स के साथ, ठीक है। और वेदरिंग के दौरान होता क्या है? ऑक्सीजन जो है अदर एलिमेंट के साथ यूनाइट कर जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है हेमाटाइट, लाइमोनाइट, LIMONITE, ठीक है। और चौथा प्रोसेस है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पता है भाई, मैंने एक कप पानी लिया, उसमें चीनी मिला दी, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। ऐसे हम तो जो नेचर में क्या होता है, वाटर होता है, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, और वो सॉल्यूशन वेदरिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी सॉल्यूशन की। और ये है नोट्स। हाँ, अभी वीडियो ये ख़त्म नहीं हुई है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब होगा तो टूटना ही, किस चीज़ का? पत्थर का टूटना। पर इस टाइम पे एजेंट्स जो हैं वो बदल जाएंगे, प्लांट्स, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म के कारण पत्थरों के टूटने को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग कितने तरह की होती है? दो टाइप की, ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोफिजिकल और बायोकेमिकल। तो बायोफिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? हाँ भाई, सबसे पहले बायोफिजिकल में क्या होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट्स की रूट होती है, जड़ें, कभी देखा होगा अगर गांव वगैरह में पेड़ रहा हो, तो सीमेंट, मतलब अगर हम प्लांट्स के आर पार सीमेंट का गोला सा बना दें चौबारा बैठने के लिए, होता है गांवों में, किसी फिल्मों वगैरह में देखा होगा आपने, तो उस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पहले तो छोटी रहती हैं, बाद में बड़ी होती जाती हैं, तो
बड़ी होती हैं वो, तो वो मैकेनिकल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उस जो भी सीमेंट का उसके आसपास बनाया रहता है उसमें मैकेनिकल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और उसको तोड़ देती हैं, इसी को कहते हैं वेदरिंग। और ये कैसे वेदरिंग है, बायोफिजिकल वेदरिंग। सेम यही पत्थरों के केस में होता है भाई, कुछ पौधे होते हैं जो पत्थरों पे उग जाते हैं तो उनकी जड़ें जो है जब बड़ी होती हैं तो वो उस पत्थर को तोड़ देती हैं, ठीक है। ये एक वो है बायोफिजिकल वेदरिंग का। दूसरा, अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गए, स्नेल्स हो गए, ये ज़मीन पे जब चलते हैं तो ये सॉइल को लूज़ कर देते हैं और दूसरे एजेंट्स के लिए वहाँ पर वेदरिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। अगली बात है बायोकेमिकल प्रोसेस की। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है भाई। कुछ और, जैसे कि सर्टेन बैक्टीरियाज एंड एल्गे ब्रेक रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स। कुछ बैक्टीरिया और एल्गे होते हैं जो पत्थर बनाने वाले सिलिकेट्स को तोड़ते हैं। वो कुछ एलिमेंट्स को खा जाते हैं जो जिनको जो उनको अपना भरण पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है, और बाकी को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन मतलब वेदरिंग, ठीक है। अगला पॉइंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद क्या होता है, केमिकल एक्टिव सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। हाँ, मतलब पहले ऑर्गेनिज्म मरते हैं, फिर जब वो सड़ता है, डिके होता है केमिकली, तो ये केमिकल एक्टिव सब्सटेंस निकलता है, और वो केमिकल एक्टिव सब्सटेंस जो क्या है, वेदरिंग करने के काबिल होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे फिजिकल वेदरिंग और बायोकेमिकल वेदरिंग के, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल भी दिया है, जब प्लांट्स मर जाते हैं और जब वो सड़ जाते हैं तो ह्यूमिक एसिड निकलता है, और ह्यूमिक एसिड वेदरिंग करता है, तो ह्यूमिक एसिड वेदरिंग एजेंट हुआ, ठीक है। बस इतनी ही है वीडियो ये।